हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संबलपुर के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो अगर आप संबलपुर से हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप संबलपुर से नहीं भी हैं तब भी इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आप संबलपुर आना चाहें तो इन सारे प्लेसेस में विजिट कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्लेस जो है यह है माँ समलेश्वरी टेम्पल। ये संबलपुर से अराउंड 3 किलोमीटर डिस्टेंस में है, और ये टेम्पल वेस्टर्न उड़ीसा का बहुत प्रचलित टेम्पल है। तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं विजिट करने के लिए। ये टेम्पल महानदी नदी के तट पर है, और माँ समलेश्वरी टेम्पल को माँ समलई नाम से भी जाना जाता है। तो आप डेफिनेटली संबलपुर अगर हैं, संबलपुर में रहते हैं, तो यहाँ पे एक बार जाइए, विजिट करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर संबलपुर से नहीं हो तो संबलपुर अगर आप जाएंगे तो इस जगह पर डेफिनेटली जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। सेकेंड प्लेस जो है ये है हीराकुड डैम। ये संबलपुर से अराउंड 15 किलोमीटर डिस्टेंस में है। हीराकुड डैम वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम है। ये भी बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पे हर दिन काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। तो आप भी एक बार जाके देखिए, आपको भी ये जगह बहुत अच्छा लगेगा। थर्ड प्लेस जो है ये है गांधी मीनार। ये हीराकुड डैम से 4 किलोमीटर डिस्टेंस में है। यहाँ पर से आपको पूरा महानदी रिवर का बेस्ट व्यू दिखता है, और यहाँ से आपको हीराकुड डैम का ये बेस्ट व्यू दिखता है। तो आप अगर हीराकुड डैम आए तो यहाँ पर भी जरूर आए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेस की ओर। फोर्थ प्लेस जो है यह है बिमलेश्वर टेम्पल। ये संबलपुर से अराउंड 23 किलोमीटर डिस्टेंस में है। ये टेम्पल को हुमा लैंडिंग टेम्पल भी कहा जाता है। हुमा लैंडिंग टेम्पल वर्ल्ड में दो ही है, जिसमें से एक इंडिया में है, उड़ीसा में, संबलपुर में। तो और ये महानदी नदी के तट पर है, यहाँ पर भी काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए। तो आप भी जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छा जगह ये भी। 5 नंबर पे जो प्लेस है ये है गुदगुदा वाटरफॉल। ये संबलपुर से अराउंड 96 किलोमीटर डिस्टेंस में है। गुदगुदा वाटरफॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट। और ये वाटरफॉल आप यहाँ पर मानसून के सीज़न में जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये भी प्लेस बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर भी बहुत आते हैं टूरिस्ट। तो आप भी यहाँ पर जाके एक बार देखिए, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। 6 नंबर पे जो प्लेस है ये है मंधाता शिव टेम्पल। संबलपुर से अराउंड 9 किलोमीटर डिस्टेंस में है। काफ़ी ओल्डेस्ट टेम्पल है ये, काफ़ी फेमस है, यहाँ काफ़ी लार्जेस्ट टर्टल्स हैं यहाँ के पॉन्ड्स में। सो आप यहाँ पर आकर एक बार देखिए, आपको भी ये टेम्पल बहुत अच्छा लगेगा। 7 नंबर पे जो प्लेस है ये है डियर पार्क। ये संबलपुर से अराउंड 2 किलोमीटर डिस्टेंस में है। ये पब्लिक पार्क है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी किस्म के एनिमल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा है यहाँ पे डियर्स ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा हरिन यहाँ पर। तो आपको यहाँ हरिन काफ़ी किस्म के देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, भी काफ़ी अच्छा प्लेस है। 8 नंबर जो प्लेस है ये है जीरो पॉइंट। ये संबलपुर से 25 किलोमीटर डिस्टेंस में है। अगर आप यहाँ आना चाहें तो मानसून के सीज़न में आइए, बेस्ट टाइम है विजिट करने के लिए। मैं कहूँगा कि आप संबलपुर आएँ तो यहाँ पर भी विजिट करिए, बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छा टाइम है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 9 नंबर जो प्लेस है ये है घंटेश्वरी टेम्पल। संबलपुर से डिस्टेंस से 30 किलोमीटर। इस टेम्पल का खास बात है, यहाँ पे आपको काफ़ी अलग अलग तरह के घंटे देखने के लिए मिलते हैं। आप आना चाहें तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। माँ घंटेश्वरी टेम्पल भी बहुत प्रचलित टेम्पल है, और यहाँ पर भी काफ़ी लोग आते हैं पूजा करने के लिए। तो आप आना चाहें तो आ सकते हैं। 10 पे जो प्लेस है ये है पताली श्री खेत्रा। ये संबलपुर से अराउंड 64 किलोमीटर डिस्टेंस में है। बहुत प्रचलित टेम्पल है, हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए। आप भी आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, डेफिनेटली आप यहाँ पर विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गाइस आने वाले समय में आपको इनमें से काफ़ी सारे प्लेसेस का ब्लॉग भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।